मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1307 नए संक्रमित मिले। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति भोपाल, इंदौर और जबलपुर की है। यही वजह है कि तीनों शहरों में कल रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 32 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन में दिक्कत ना हो इसलिए लोगों ने खरीदारी भी बढ़ चढ़ कर की। शनिवार को इन तीनों शहरों में बाजार में लोग जरूरी सामान खरीदते नजर आए। इंदौर और जबलपुर में कुछ ज्यादा ही भीड़ दिखी। वहीं आज होने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए बसों का इंतजाम भी प्रशासन करेगा। एक साल पहले यानी कल के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे, जिसे लेकर भाजपा ने इस दिन को सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर जश्न के रूप में मनाया। वहीं कांग्रेस ने लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाकर प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। इसी कड़ी में इंदौर, भोपाल सहित सभी जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस ही जुटे और संविधान की रक्षा करने का प्रण लिया। बता दें कि वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक साल पहले कांग्रेस से बगावत कर दी थी, जिसके बाद सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। इस कारण 20 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। बाद में 23 मार्च को शिवराज सिंह सरकार एक बार फिर से सत्ता में लौटी थी, जिसको लेकर कांग्रेसियों द्वारा पूरे प्रदेश में लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया गया। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए इंदौर की सेंट्रल जेल में कैदियों को वैक्सीन लगाई गई। इंदौर सेंट्रल जेल प्रदेश की पहली जेल होगी जहां कैदियों को वैक्सीन लगाई गई है। दरअसल जेल के अंदर नए कैदियों के आने से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जेल अधीक्षक ने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से कैदियों को वैक्सीन लगाने की बात कही थी, जिसकी अनुमति मिलने के बाद पहले चरण में 45 वर्ष से ऊपर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कैदियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। शनिवार को करीब 300 कैदियों को वैक्सीन लगाई गई है। इसके बाद अन्य कैदियों को वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि जेल में कोरोना का संक्रमण ना फैल सके। पाकिस्तान से आई गीता को उसके घर पहुंचाने के लिए आनंद मुखबिर संस्था के ज्ञानेंद्र रोहित और मोनिका पुरोहित के साथ ही इंदौर पुलिस भी कई तरह के जतन कर चुकी है। इतने प्रयास के बाद अब मंजिल काफी करीबी नजर आ रही है। जिस परिवार ने गीता को अपनी बेटी होने का दावा किया था, उनके डीएनए को लेकर कई तरह की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन अब विदेश मंत्रालय से भी संस्था से जुड़े हुए ज्ञानेंद्र पुरोहित के पास फोन आ गया है। फोन आने से अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही अब गीता के डीएनए की प्रोसेस शुरू की जाएगी। वहीं काफी प्रयास करने के बाद गीता ने जिस तरह की लोकेशन बताई थी, उस लोकेशन के आधार पर गीता को उसके परिजनों के काफी करीब तक पहुंचा भी दिया गया है। मुखबिर संस्था के ज्ञानेंद्र रोहित ने कहा कि अगर विदेश मंत्रालय या महाराष्ट्र सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती तो वहाँ आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी गीता को सरकारी नौकरी देने की मांग करेंगे। फिलहाल जिस तरह से अब विदेश मंत्रालय से डीएनए को लेकर फोन आया है, तो अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही गीता का डीएनए भी हो जाएगा। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में शनिवार दोपहर को जिले के सैकड़ों किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों ने गेहूं खरीदी के मूल्य वृद्धि की मांग की। जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों क्विंटल गेहूं बेचने आए किसानों ने लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में हंगामा खड़ा कर दिया। एमएसपी से कम मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर किसान नाराज नजर आए। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1945 रुपए है, लेकिन मंडी में 1700 के भाव से गेहूं खरीदा जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कमल यादव ने इस दौरान अपने किसान साथियों के साथ मिलकर मंडी प्रांगण में जमकर नारेबाजी की। वहीं सरकार से मांग करते हुए कहा कि समर्थन मूल्य को बढ़ाते हुए अधिक मूल्य में उनका गेहूं खरीदा जाए। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वह सरकार के खिलाफ जल्द ही बड़ा आंदोलन करेंगे।